जैसा कि आप जानते हैं कि 27 सितंबर 2021 को इंडियन आर्मी की आर्टिलरी यानी आर्मी की वो ब्रांच जिसमें गन्स यूज होती हैं ने अपना 195th रेजिंग डे मनाया है। इस मौके पर इंडियन आर्मी के डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी लेफ्टिनेंट जनरल टी के चावला ने एक मीडिया इंटरव्यू में अभी चाइना बॉर्डर पर इंडियन आर्टिलरी के डिप्लॉयमेंट और इंडियन आर्टिलरी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको लद्दाख में इंडियन आर्टिलरी की डिप्लॉयमेंट और इंडियन आर्टिलरी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर पहले बात करते हैं लद्दाख में इंडियन आर्टिलरी गन्स की डिप्लॉयमेंट की। लेफ्टिनेंट जनरल चावला ने यह बताया है कि अभी इंडियन आर्मी ने लद्दाख में चाइनीज आर्मी के किसी भी अटैक को रोकने के लिए अपनी बहुत सी आर्टिलरी गन्स डिप्लॉय कर रखी है। इसमें से सबसे ज्यादा है इंडिया में बनी हुई 17 किलोमीटर रेंज वाली 105mm लाइट फील्ड गन। ये गन बहुत हल्की होती है और पहाड़ों में आसानी से कहीं भी ले जा सकती है और ये हाई एंगल में भी किसी भी पहाड़ के ऊपर से आराम से फायर कर सकती है। इसके बाद आती है 27 किलोमीटर रेंज वाली 155mm ओफोर्स गन, जिसने कारगिल वॉर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इसके बाद में आती है दो नई गन्स। इंडियन आर्मी की पहली नई गन है यूएस से खरीदी गई 37 किलोमीटर रेंज वाली M777 गन, जो कि बहुत ही लाइट वेट होती है और इन्हें यूएस से ही खरीदे गए इंडियन एयरफोर्स के बोइंग CH-47 चिनूक के नीचे लटकाकर किसी भी पहाड़ी के टॉप पर ले जा सकता है, जिससे इंडियन आर्मी की M777 आर्टिलरी गन्स कहां से फायर करने वाली है इसका पता चाइनीज आर्मी को कभी नहीं चलेगा। इंडियन आर्मी की दूसरी नई गन है साउथ कोरिया की डिजाइन की गई और इंडियन लार्सन एंड टुब्रो यानी LNT की बनाई हुई 40 किलोमीटर रेंज वाली K9 वज्र गन। अभी इंडियन आर्मी के पास लगभग 100 K9 वज्र गन्स हैं। ये ट्रैक्ड गन है जो कि इंडियन आर्मी के T-90 भीष्म और T-72 अजय टैंक्स को फायर सपोर्ट देगा। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने लद्दाख में मेड इन इंडिया 40 किलोमीटर रेंज वाली पिनाका और 70 किलोमीटर रेंज वाली BM-30 स्मच मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर यानी MBRLs भी डिप्लॉय की हैं, जो कि मिनटों में बहुत बड़े एरिया को टारगेट कर सकते हैं। इन सभी गन्स के डिप्लॉयमेंट के चलते ही लेफ्टिनेंट जनरल चावला ने यह कहा है कि अभी इन गन्स के चलते इंडियन आर्मी किसी भी चाइनीज अटैक को रोक सकती है। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल चावला ने इंडियन आर्टिलरी के मॉडर्नाइजेशन प्लान के बारे में भी काफी बातें बताई। लेफ्टिनेंट जनरल चावला ने यह कहा है कि अभी इंडियन आर्मी अभी दो मेड इन इंडिया गन्स का ट्रायल कर रही है। पहली है 155mm और 45 कैलिबर वाली धनुष गन, जो कि बोफोर्स गन की डिजाइन को अपग्रेड करके बनाया गया है। धनुष गन को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर बना रही है, जो कि भी नई कंपनी के अंडर होगा। धनुष गन की रेंज 36 किलोमीटर है और अभी ये गन ट्रायल्स में है, बट फिर भी इंडियन आर्मी ने 114 धनुष गन्स का ऑर्डर दे दिया है। लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट डिलेड है क्योंकि अभी तक इंडियन आर्मी को सिर्फ 12 गन ही मिल सकी हैं। इसके बाद भी इंडियन आर्मी ने धनुष गन सिस्टम का डेवलपमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट देना जारी रखा है। इंडियन आर्मी की दूसरी फ्यूचर गन है 155mm और 52 कैलिबर वाली एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS, जिसे DRDO, दो प्राइवेट कंपनीज भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर बना रहा है। ATAGS ने अपने ट्रायल्स में अपनी कैटेगरी में सबसे लॉन्ग रेंज यानी 48 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगस्त 2018 में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने 150 ATAGS के ऑर्डर किया था, लेकिन 2020 के समर ट्रायल्स में ATAGS गन के बैरल बर्स्ट हो गया था। इसके अलावा ATAGS गन का वेट 18 टन होता है, जो कि थोड़ा ज्यादा है, तो अभी ATAGS के इंडियन आर्मी में इंडक्शन के बारे में ज्यादा नहीं कह सकते। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल चावला ने यह बताया है कि इंडियन आर्मी अभी DRDO, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और सभी प्राइवेट कंपनीज को सपोर्ट कर रही है और ये उम्मीद करती है कि जल्दी ये दोनों गन्स इंडियन आर्मी को मिल जाएंगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके अलावा इंडियन आर्मी ने अपने बैकअप प्लान में इसराइल की बनी हुई ऑटोनोमस टोट हॉविट्जर ऑर्डिनेंस सिस्टम यानी एथोस को खरीदने का प्लान कर रही है। एथोस का वेट 15 टन होता है, जो कि ATAGS और धनुष गन के वेट से कम है। इसके अलावा एथोस गन का रेट सिर्फ 9 करोड़ है, जबकि धनुष गन की कॉस्ट 14.5 करोड़ और ATAGS गन की कॉस्ट 22 करोड़ होती है। बट इंडियन आर्मी ने यह साफ बताया है कि आर्मी सभी मेड इन इंडिया गन्स को सपोर्ट करेगी, लेकिन इन गन्स को सभी ट्रायल्स पास करने होंगे। फाइनली टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी इंडियन आर्मी को लगभग 2000 आर्टिलरी गन्स की जरूरत है और इंडियन आर्मी अभी ATAGS और धनुष गन्स के सक्सेस होने का वेट कर रही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडियन आर्मी को जल्दी भारत में बनी हुई धनुष या ATAGS जल्दी से जल्द मिल जाएगी। अदरवाइज एथोस का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिससे इंडियन आर्मी आर्टिलरी की पावर और भी बढ़ जाएगी। आपकी इन गन सिस्टम के ऊपर क्या राय है हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोज लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। जय हिंद।